अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इत्तेजाज अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसनोलॉजी फॉर टेक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। और आज भाई, आज आप एक्साइटमेंट का लेवल देख लो, वो ऊपर जा रहा है। खैर, एक्साइटमेंट किस चीज की है कि मैं जिस चीज का इंतजार करता था ना अपने भाइयों के लिए, वो आज फाइनली हो गया है। और होने से क्या मुराद है कि यार, मैं अपने लिए एक पीसी तैयार करना चाहता था, फुल फ्लेज गेमिंग पीसी, लेकिन सीन नहीं हो पा रहा था। थोड़ी सी था यार मसला, रहा यार नहीं कर पा रहा था कंट्रोल। खैर, जो चीज मैं मांगता था वो मिल नहीं रही थी, तो आज फाइनली वो चीज हमारे पास आ गई है। अब व्यू मैं आपको पहले दे देता हूँ, क्योंकि आगे थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो पूरी देखना चस आएगी आप लोगों को। सीन क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और क्या क्या पार्ट्स लगाने वाले हैं वो भी आगे चल के बताता हूँ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहली चीज़ भाई जो बॉडी में लगाने वाला हूँ ना, वो है ये चिकनी चंबेली बॉडी। और चेक कर लो अभी इसको सारा, आप लोग को सारा एंड में देखेंगे। सिर्फ ये कि अभी मैं आपको एक फिज़िकल रिव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का। और भाई उसके बाद कार्ड के ऊपर से अगर हम मक्खन मलाई उतारे तो भाई आप लोग चेक कर लो, देखो कार्ड निकालना पड़ेगा। और भाई कुछ लोगों को तो नज़र आ ही गया होगा, RX 590 8GB। ओ गॉड, एक बार दिला दे। क्या बात है बोनस की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कूलर है, वो मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ। भाई एक हाथ से ओपन ही नहीं हो रहा। ओके, तो ये है भाई साहब हमारा कूलर। अब आते हैं भाई हम बोर्ड की तरफ। तो भाई बहुत ही लेवल का बोर्ड है ये, है Asus प्राइम H310M। इसका मॉडल है H310M है। फिर हमारी यहाँ पर आती है ये चिकनी चंबेली बॉडी, जो कि ऊपर रैपर चढ़ा हुआ, थोड़ी सी गंदी हुई है, इसको भी उतार देंगे। और यहाँ पर आती है भाई हमारे पास ये चेंजेबल सप्लाई, चेक कर लो 650 वॉट है यहाँ पर लिखा हुआ है। प्लस हमारे पास पेस्ट आ जाती है, यहाँ पर हमारे पास स्क्रू ड्राइवर आ जाता है, एक प्लास आ जाता है अगर इनकी ज़रूरत पड़े। अब मैं जल्दी से अपना जो सेटअप है वो यहाँ पर रेडी कर देता हूँ, और चीज़ों वगैरह के लिए जो सेटअप लगाना है वो ओके करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़े से मैं बीच में कट्स डालूंगा ताकि आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और देखने में जो सीन है वो भी आपको पूरा मिल सके। तो यार फाइनली मैं जंग के लिए तैयार हो चुका हूँ, और मैंने आज ये इधर लगा लिया ताकि सारा सीन मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। काफ़ी ऊपर चढ़ा लिया, वैसे नीचे होता है। खैर, सबसे पहले मैं अपनी बॉडी को यहाँ से रैपर से आज़ाद करता हूँ। तो यार रैपर में से मैंने सारा रिमूव कर लिया है। ये सारी शीट हमने इसके ऊपर इसीलिए लगाई होती है ताकि जो केसिंग है ना वो ज्यादा गंदी ना हो। अब वाइट बेसिकली हमारी दुकान में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसको चूज करने का मकसद ये था कि ये जरा ना देखने में खूबसूरत लग रही थी। इसका बाकी रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा, पहले हम इसे करेंगे रेडी। अब मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, और बल्कि पहले इसके अंदर जो पेच वगैरह होते हैं वो सारे मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें होती हैं जो हम लोग के काम आती हैं, जिससे हम इसको पूरा पेयर करते हैं इसके साथ, वो भी मैं निकाल लेता हूँ इसमें से। और ये भाई शैपर लगा होता है जिसमें सारा सामान होता है, ये आप इसमें से निकाल लो। और जो काम की चीजें होती है वो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो जो दूसरी फारग चीजें होती है उसको आप फेंक भी सकते हो, मसला नहीं है। ओके, तो ये चीजें इसके अंदर ही आती हैं पहले से, तो ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। ओके, तो यार ये पेजों को हम लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा दोनों व्यू आपको दूं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। ओके, तो एक गाइड इसके अंदर हमें पहले से ही मिल गई है, और गाइड के अंदर चीजें लिखी हुई हैं कि आपने कैसे लगानी है सारी चीजें, और क्या क्या सीन है इसके अंदर वो मैं हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले आता है हमारा बोर्ड। और भाई बोर्ड के अंदर भी थोड़ी बहुत चीजें जो है वो मैंने चेंज करनी है, वो मैं आपको चल के बताता हूँ। इसको मैं भी यहाँ पर रखूंगा। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है हमारा बोर्ड, और बोर्ड के अंदर कुछ चीजें चेंजिंग करनी है मैंने। अब अगर आपको बोर्ड का थोड़ा सा रिव्यू दूं तो आप देखो यहाँ पर आपका कार्ड लग जाएगा, 1 2 3 4 स्लॉट आपकी साटा की हैं। यहाँ पर आपका मेन पावर लगेगी, और ये आपका
हीट सिंक है जो कि मैंने चेंज करनी है, तो मैं हीट सिंक को चेंज कर लेता हूँ पहले। ओके, जो अब इसके अंदर कार्ड डलने वाला है भाई साहब, प्रोसेसर, वो आप लोग देख लो कि कौन सा है। अगर आप लोग को नजर आ रहा है, i5 8th generation है। ओके, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, और ये बोर्ड i5 8th generation का है। ओके, ये मैंने लगा लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पेस्ट। और देखो सारी पेस्ट गलत लगाई। खैर, कभी कभी अच्छे प्लेयरों से भी ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर आएगा भाई हमारा हीट सिंक, जो कि हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर, और भाई वो ये वाला लगेगा। और इस हीट सिंक को भी लगाने की थोड़ी सी फनकारी होती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे लगेगा। पहले आपने लगाना है ये वाला इसके ऊपर, और ये इसके क्लिप्स हैं। इसके अंदर सिलिकन जेल है शायद। ओके, ये आपने इसके यहां से अंदर करने हैं, ये एंड लास्ट वाला ये। अब ये जो ब्लैक वाले क्लिप है, ये भी आपने यहां से अंदर डालने हैं, और ये वाला यहां से, ये ये। अब आप लोग चेक कर लो कि ये चारों जो हैं वो सही लग गए हैं बिल्कुल। ओके, तो अब बारी आती है हमारी हीट सिंक की, ओरिजिनल हीट सिंक की। तो भाई इसको थोड़ा सा ना एहतियात से बिठाना, एक साइड से बिठा लेना, और हमेशा ये बोर्ड लगाने से पहले ही इसको बिठा लेना। ये देखो, एक साइड लगा के देन ये आपकी दूसरी साइड लगेगी। ओके, तो आप लोग देख लो, इसने मेरी हवा टाइट कर दी है। उफ, और ये आराम से ही लगता है, थोड़ा सा इसको ट्रिकी है लगाना, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। इसकी अभी ये वायर होती है जो कि फैन वायर होती है, इसको मैं लगा लेता हूँ, और वो यहाँ पर लगेगी। ऊपर लिखा हुआ भी होगा सीपीयू फैन। ओके, तो हमारा बोर्ड तकरीबन रेडी हो गया, और अभी कोई वायर नहीं लगानी। अब बारी आ जाती है भाई पीसी की, तो इस वाली हीट सिंक को मैं रख देता हूँ अभी साइड पर ही। ओके जी, अब हम लोग डायरेक्ट इसको लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इस पत्री को एडजस्ट करना है आप लोगों ने, लेकिन उससे पहले भी अब यहाँ पर ये बनी हुई है तो अच्छी बात है, तारे यहाँ से लगा सकते हैं, नहीं तो इसके नीचे से ऑप्शन आता है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि नीचे से मत लेकर आना, खराब हो जाएंगी, इधर से ला के लगा देना। अब मैं इसकी जो वायर्स वगैरह ना वो ओपन कर लेता हूँ। अब आपने बोर्ड को बिठाना है बड़े ईजी तरीके से, कोई प्रिंट डैमेज किए बगैर। तो ये मैंने उल्टी लगा दी पत्री, ये पत्री ऐसे लगनी थी यूं। एक साइड पे आपने हाथ रख लेना ताकि इसको लगाने में इजी हो जाए। ओके, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो चीजें हैं ये फिक्स बैठ गई हैं,
और ऊपर से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इसका एक स्क्रू टाइट कर लिया तो काम अच्छा हो जाएगा। ओके यार, तो अब ये चीजें हमारी लग गई हैं, अब बारी आएगी भाई सप्लाई की। सप्लाई हम लोगों ने लगानी है और वायर्स लगानी है। वायर्स भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहां से मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखा देता हूँ इसका, ये चेक कर लें। अब इसकी ये वाली जो केबल्स है ना सारी, ये लगानी है, ये इसकी लाइट की केबल्स हैं तो ये भी सारी लगेंगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहले सप्लाई को लगा लेते हैं और वायर्स उसकी जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। सप्लाई भी कोई इतनी मुश्किल नहीं लगती, जस्ट आपने ये पंखा नीचे की तरफ करना है ताकि इसकी हवा निकलती रहे, और सप्लाई को यहाँ पर लगा देना है। वैसे ये है कि अगर सप्लाई का कलर व्हाइट होता ना तो बड़ी जनान सप्लाई लगती इसके अंदर। सप्लाई का पेच लगेंगे बड़े वाले जैसे ये हैं। ओके ये हो गया। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक ही बना हुआ आपके पास आएगा, सिर्फ आपने लगाना होगा। देख ये मेन केबल है, इस केबल को आपने सबसे अलग ही करना है ताकि यहाँ पर पीछे आप वायर्स को सही तरह जोड़ सकें यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ से अंदर भेजता हूँ और इधर से आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगी। तो सिंपल यहाँ पर एक हाथ रख के आपने इसको लगा लेना है। ओके ये लग गया हमारा, इसको यहां से बाकी वायर निकाल दिए है। अब नेक्स्ट जो आपकी केबल आती है वो भी आपने इसके साथ साथ ही निकालना है। अब ये देखें इसके अंदर चीजें बनी हुई हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहां से, तो सिंपल आप इसको सबसे अलग कर लें और इसके साथ साथ यहां पर ये अड़का के इसको ये यहां से आपने यूं कर लेनी है। अब ये देखें ये बनाई हुई है उन्होंने सारी जगह, ये देखें, और यहां से आपने इसको ये क्लिप को आपने यहां पर लगा देना है। ऐसे अब ये क्लिप यहां से आया तो लग गया, तो तार का झरमट्टा भी नहीं है। अब एक हिसाब का आपका जो पीसी है वो इतना हो गया कि अब मैं अगर इसको बटन दबाता हूं तो लाइट्स इसकी ऑन हो जाएंगी। लेकिन यहां पर अब एक मेन चीज होती है वो मैं आपको दिखाता हूं, वो है भाई साहब ये केबल्स। तो इन केबल्स को लगाना लाजमी होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन केबल्स के बगैर जो है, लेकिन ये एक अच्छी चीज इन्होंने दी है कि ये बल्कि अलहदा ही दी है और मैं ये खुश हो रहा था। ये केबल्स जो है ना वो लगाना थोड़ी मुश्किल होती हैं, इनको थोड़ा ट्रेस करना जो है वो मुश्किल होता है। तो अभी हम सेकंड केबल लगाते हैं, ये आपकी 3.0 की है तो ये भी यहाँ से आप इजीली अंदर लगा सकते हो। या पहले आप चेक कर लो ये लगेगी कहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वो जो केबल्स है ना वो ट्रेस कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने ना उनके नाम याद रखने, एक आपके स्पीकर वाली केबल, ये सारी जगह ये बनी हुई है, USB सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन वो जो केबल्स है ना उनकी एक लेदर जगह होगी जिसके नीचे लिखा होगा। तो ये सारी केबल्स ही मैं कोशिश करूंगा इधर से गुजार लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर ही लगनी है, ये भी और ये केबल्स भी। ओके अब इसको मैं ऐसे लेटा लेता हूँ, वायर्स ना बस खराब हो ये ध्यान रखना है आपने। और अब आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या क्या लिखा हुआ इधर। ओके अब पावर एलईडी प्लस और माइनस मैंने लगा लिया है,
अब उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लगानी है वो पावर लगानी है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लगेगी। ओके अब यहां पर आएगा भाई साहब पावर वाला ऐसे। अब उसने बताया है नीचे एच डी डी प्लस और माइनस आएगा, यहां पे आएगा नीचे और लास्ट में आएगा ये रीसेट वाला और वो आएगा इधर। ओके अब आप लोग को समझ आ गई है। अब ये दो केबल्स आ गई हैं और इनका ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक यूएसबी केबल है और दूसरी एच डी ऑडियो है और दोनों आपको एक ही जगह पर मिलेंगी। ओके ये यूएसबी है तो यहां पर लगेगी यूएसबी और कट भी देखने नीचे कट भी होगा, ये ऐसे लगेगी। ओके और अब इसके बीच में कट होगा तो यहां पर तो ये है, ये आपको नजर आ रही होगी ए ए एफ पी है शायद, उसमें ये लगेगी। इसको मैं थोड़ा सा और खींच लेता हूँ और यहां पर मैं ओके अब आपकी जो मेन वायर्स थी ना वो यहां पर कंप्लीट हो गई हैं। मेन वायर्स आप लोगों ने यहां पर लगा लिए। अब एक साटा केबल मैं लगाऊंगा सिर्फ और बोर्ड बटन्स के साथ चेक करूंगा कि क्या हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो साटा को एक वैसे ही एडजस्ट कर लेता हूं यहां पर, ओके बाकी साटा की केबल्स आपने नहीं छेड़नी। एक पावर बट केबल को मैं आगे ले आता हूं और बिस्मिल्लाह करके लगाता हूं इसको, बिस्मिल्लाह की बरकत ऑन ऑफ करें। ओके अभी हम देखते हैं, ओके बटन बंद होगा, बिस्मिल्लाह। ओके जी तो यार फाइनली हमारा जो ये बटन्स है, अभी हम चेक करते हैं लाइट्स को भी। ओके तो यार फाइनली बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इसको ओके तो एक ये भी एलईडी का बटन है, इससे चेक करते हैं। ओ माय गॉड जबरदस्त यार। ओके ये बटन जो है वो रीसेट वाला है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो चीजें हमारी चल पड़ी हैं और ओके ऊपर ब्लू लाइट भी आ गई 3.0 वाली भी, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं आप लोग को एक दफा दिखा देता हूँ इसका फिजिकल रिव्यू देता हूं ये कैसा लग रहा है फ्रंट से, ये कैसा लग रहा है ये भी आपको दिखाता हूं। ओके अब आप यहां से एक लुक देखो इसकी, ये चेक करो। अब जस्ट आपने क्या करना है इसको मैं कर लेता हूं यहां से बंद। तो यार फाइनली मैंने आपको सारा पीसी जो तैयार करने का सिनेरियो था वो बता दिया है। यही चीज होती है जो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे पता है आप लोगों को समझ आ जाएगी कि पीसी को कैसे तैयार करना है। अब आप घर में खुद भी तैयार कर सकते हो। काफी ज्यादा लोग मुझे कह रहे थे यार एहसन भाई ये चीज गलत है, आप पूरा तरीका बता रहे हो, ये है वो है। तो यार मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग, जाहिर है हर इंसान अपना रिस्क खुद खाता है, तो आपको ये पीसी जो तैयार करने का तरीका पता है यही है, कोई बड़ी फनकारी नहीं है, बस थोड़ी सी वो जो एलईडी वाली तारे हैं उनको जोड़ने में मसला आता है। अब ये जो पूरा पीसी तैयार होगा और जो इसके अंदर स्पेक्स लगेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कल वाली वीडियो हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि उसके अंदर मैं लगाने वाला हूँ RX 590 और i5 8th generation के साथ RX 590 प्लस 16 GB रैम होगी DDR4 में,
तो गेम में भाईजान पढ़ने वाली है, तो भाई तो कल की वीडियो लाजमी देखना, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।